गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 जुलाई तक राजधानी में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। शाह ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, जल्द ही हालात ठीक हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में अभी हालात कंट्रोल में है और कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात नहीं है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि 31 जुलाई तक राजधानी में कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। शाह ने मनीष सिसोदिया के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि राजधानी में कोरोना के मामलों में भले ही तेजी आई हो, लेकिन हालात काबू में हैं। जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर था, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई। अमित शाह ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों के इलाज की बात कही गई थी। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूँ, मैं भला कहाँ जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ पर रहते आते हैं जाते हैं, आसपास के राज्यों से जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला। गृह मंत्री अमित शाह के दखल के बाद दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में अब तक 83,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि राजधानी में कोरोना से 2,623 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के 2,889 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में दिल्ली में 65 लोगों की कोरोना से जान गई है। जाहिर है दिल्ली में कोरोना का तेजी से बढ़ता ग्राफ जरूर चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्लीवासी हर वो जरूरी कदम उठाएं जिससे कोरोना से बचा जा सके और भविष्य में दिल्ली के हालात मुंबई जैसे ना हो। टीम न्यूज़ नेशन।